हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिल्मी फैक्ट एपिसोड नंबर 3 में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अवेंजर एंड गेम मूवी ने अवतार मूवी के ओरिजिनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर दिया है। दरअसल अवतार मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और उस टाइम उस मूवी ने 2.74 बिलियन का कलेक्शन किया था। और उसके बाद अवतार मूवी दुबार से रिलीज हुई और उसके बाद अवतार मूवी का फुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 2.787 और अवेंजर एंड गेम मूवी अब तक 2.75 बिलियन का कलेक्शन कर चुकी है। तो इस हिसाब से अवेंजर एंड गेम मूवी ने अवतार के ओरिजिनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर दिया है। फ्रोजन 2 मूवी के ट्रेलर को 24 घंटे के अंदर अंदर 116 मिलियन व्यूज मिले थे। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो फ्रोजन 2 मूवी का ट्रेलर दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एनिमेटेड मूवी के ट्रेलर बन चुका है, जिसे कि 24 घंटे के अंदर अंदर 116 मिलियन व्यूज़ मिले थे। और इससे पहले ये रिकॉर्ड इनक्रेडिबल 2 मूवी के पास था, जिसको 24 घंटे के अंदर मिले थे 113 मिलियन व्यूज़। वाइब मैगजीन वालों ने 1998 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जहाँ पे उन्होंने न्यूयॉर्क में हो रहे इलीगल तरीके से कार रेसिंग के बारे में बताया था। और गैस वर्ड, इसी आर्टिकल से इंस्पायर होकर फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज़ बनाई गई। इंसेप्शन मूवी के उस कॉरिडोर वाले फाइट सीन में किसी भी टाइप के CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि मूवीज मेकर ने उस पूरे कॉरिडोर को ही घुमा दिया और फिर उस फाइट वाले सीन की शूटिंग करी गई थी। और साथ ही साथ उन्होंने कैमरा उसके साथ ही अटैच कर दिया, जिससे कि कैमरा भी घूम गया था। हैरी पॉटर की मूवीज़ की सीरीज़ में हैरी पॉटर का रोल कर रहे एक्टर डैनियल रेडक्लिफ ने यह बताया था कि जब उन्हें पता चला था कि उन्हें हैरी पॉटर के रोल के लिए कास्ट कर लिया था, तब वो नहा रहे थे और नहाते नहाते ही उनके आंखों से आंसू गिर गए। रॉबर्ट लुडलम, जो कि एक फेमस राइटर हैं, उन्होंने ही जेसन बॉर्न मूवीज़ की सीरीज़ की स्टार्टिंग करी थी, लेकिन इससे पहले वो जेसन बॉर्न मूवीज़ की पहली मूवी देख पाते उनकी डेथ हो गई। मिकिली रॉड्रियस, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ में लेटी का रोल प्ले करती हैं, उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन जब उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज़ में कास्ट किया गया, तब जाके उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। 2009 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट 9, और उस मूवी में हमें कुछ एलियंस दिखाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस मूवी में जो एलियन की आवाज़ होती है, वो दो पम्पकिंस को जब रफ़ किया जाता है उसकी आवाज़ है। जब दो पम्पकिंस को रफ़ किया जाता है तो उसमें जो आवाज़ आती है, वही इस मूवी में उस एलियंस की आवाज़ रखी गई थी। हैरी पॉटर की मूवीज़ में से एक मूवी में हरमाइनी ग्रेंजर एक गलत जादू की वजह से एक बिल्ली में बदल जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो है कि हरमाइनी ग्रेंजर का जो रोल प्ले करती है एमा वॉटसन, उन्होंने सीन के लिए कोई भी CGI का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने खुद अपने फेस पे एक बिल्ली का मेकअप किया था और उसके बाद उन्होंने सीन शूट किया था। 2012 में आई दी एवेंजर मूवी की शुरुआत में हमें जो शील्ड का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, दरअसल असल में वो नासा की एक रिसर्च फैसिलिटी है। हैरी पॉटर की सीरीज़ में जो सबसे बूढ़ी एक्ट्रेस है, उनका नाम है शार्ली हेंडरसन, लेकिन उन्होंने हैरी पॉटर की मूवीज़ में एक 11 साल की मरी हुई लड़की का रोल प्ले किया है। जेके रॉनिंग, जिन्होंने कि हैरी पॉटर की सभी मूवीज़ की स्टोरी लिखी है, उन्होंने डंबलडोर का नाम बम्बलबी से इंस्पायर होकर रखा था, और बम्बलबी को हम हिंदी में मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ की लिस्ट को देखें तो उसमें से लगभग सारी मूवीज़ अमेरिका की हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मूवीज़ की तो वो बनती है इंडिया में, और अमेरिका का नंबर आता है 4, और सेकेंड नंबर पर आती है नाइजीरिया, और थर्ड नंबर पर चाइना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।